हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूर इन माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको जिस तरह की वीडियोस देखने को मिलती हैं, डेफिनेटली उससे आपकी इंग्लिश वोकैब इंप्रूव होगी। शॉर्ट्स में भी आपको बहुत इनक्रेडिबल वर्ड्स और थॉट्स सीखने को मिलेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, राजेंद्र ठीक आदमी नहीं है। राजेंद्र इज नॉट अ गुड मैन। राजेंद्र इज नॉट अ गुड मैन। बता रहा हूँ तुझे, बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, टेलिंग यू। रहा हूँ तुझे, टेलिंग यू। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा भाई मुझे सलाह दे रहा था। सलाह देने को इंग्लिश में कहते हैं एडवाइस, एडवाइस देना। Your brother was giving me advice. सलाह देना, giving me advice. Your brother was giving me advice. कि तुम्हारी नौकरी लगवा दूँ। नौकरी को हम जानते हैं कि जॉब कहा जाता है। नौकरी लगवाने को get you a job. तुम्हारी नौकरी लगवा दूँ, get you a job. कि तुम्हारी नौकरी लगवा दूँ, to get you a job. क्या है यह, वॉट इज दिस, बहुत कॉमन सेंटेंस है। वॉट इज दिस, क्या है यह। कब से बना रही हो यह चाय हमारे लिए। तो देखिए, कब से के लिए हम यह यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यह चाय हमारे लिए। मेकिंग दिस टी फॉर मी, बनाने के लिए यह मेकिंग यूज़ हुआ है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग दिस टी फॉर मी। एक बात बोलूं, मे आई टेल समथिंग, या क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। मे आई टेल समथिंग, एक बात बोलूं। मे आई टेल समथिंग। सलीके से क्यों नहीं रहती। तो देखिए, सलीके से रहने को बोलते हैं प्रॉपरली। लिव माने रहना, प्रॉपरली सलीके से। वाई डोंट लिव प्रॉपरली, वाई डोंट लिव प्रॉपरली। चाय में पत्ती इतनी कम क्यों है। तो चाय पत्ती को हम बोलते हैं टी लीव्स और कम को बोलते हैं लेस। तो चाय में पत्ती इतनी कम क्यों है। Why are there so less tea leaves? Why are there so less tea leaves? ख़त्म हो गई थी जो थी उतनी डाल दी। चाय पत्ती के बारे में बात हो रही है तो ख़त्म होने को बोलते हैं it was over. ख़त्म हो गई थी, it was over. जो थी उतनी डाल दी। Put whatever it was. Put whatever it was. हमने यह बताने के लिए फ़ोन किया था। फ़ोन करने को कहा जाता है कॉल्ड, मतलब फ़ोन किया था कॉल्ड। वी कॉल्ड टू टेल यू दैट, वी कॉल्ड टू टेल यू दैट। अब्बू की छड़ी अच्छे से साफ़ कर दी है। अब्बू मतलब पिताजी, पिताजी की छड़ी अच्छे से साफ़ कर दी है। छड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिक, और साफ़ करके रखती कर दी है का मतलब रख दी है। तो अब्बूज स्टिक हैज़ बीन कैप्ट क्लीन, अब्बूज स्टिक हैज़ बीन कैप्ट क्लीन। चाय पत्ती भी खरीद लाए हैं और तंबाकू भी। खरीदने को कहा जाता है परचेज, सेकंड फॉर्म है या परचेज्ड। वी हैव परचेज्ड टी लीव्स एंड तंबाकू टू, तंबाकू को टबेको भी कहा जाता है। वी हैव परचेज्ड टी लीव्स एंड तंबाकू टू। जितना पैसा मिलता है उतने में ही गुजारा कर लेंगे। वी विल मेक अ लिविंग, मेक अ लिविंग मतलब गुजारा कर लेंगे। वी विल मेक अ लिविंग विद द मनी, उस पैसे के साथ यू अर्न, जो तुम कमाते हो। वी विल मेक अ लिविंग विद द मनी यू अर्न। चलो ठीक है, आते हैं शाम को। तो चलो ठीक है, ओके, आते हैं शाम को। लेट मी कम इन द इवनिंग, या मतलब मुझे शाम को आने दो। लेट मी कम इन द इवनिंग, ओके, लेट मी कम इन द इवनिंग। अरे बताओ ना, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओ टेल मी, अरे बताओ ना, ओ टेल मी, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आई विल डू द सेम, आई विल डू द सेम। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यह भी तालीम दी थी, तालीम दी थी मतलब ये शिक्षा दी थी। योर फादर टॉट यू दिस टू, यहाँ टी डब्ल्यू टू का अर्थ है भी के अर्थ में लिया गया है। यह तालीम भी दी थी, टॉट यू दिस टू। योर फादर टॉट यू दिस टू। यह तो हमें पता ही नहीं था। वी डिड नॉट नो दैट, वी डिड नॉट नो
दैट। हमारी अम्मी भी अब्बू के पान गिनकर डिब्बे में रखती थी। अम्मी मतलब मम्मी। आवर मदर ऑल्सो यूज्ड टू काउंट। यूज्ड टू का अर्थ है मतलब गिनकर रखा करती थी। ऐसे सेंटेंस में हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। आवर मदर ऑल्सो यूज्ड टू काउंट अब्बूज पान एंड कीप इट इन द बॉक्स। कीप इट इन द बॉक्स। हमारे अंकल बहुत मतलबी थे। मतलबी को इंग्लिश में कहा जाता है मीन, मीन पर्सन। आवर अंकल वॉज वेरी मीन। आवर अंकल वॉज वेरी मीन। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। वॉट डिड ही डू। वॉट डिड ही डू।